हेलो स्टूडेंट्स आज टूडेज़ टॉपिक इज़ हैंनरी द कैमिलियन होता है गिरकिट गिरकिट रेप्टाइल्स होते हैं और रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर सिरक के चलते हैं जैसे कि स्नैक्स क्रोकोडाइल्स लिजर्ट्स एक्सेट्रा इस स्टोरी में एक कैमिलियन के बारे में बताया गया है यानी एक गिरकिट के बारे में जिसका नाम हैंनरी है और ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है रस्कििन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डीसन ही लिव्स विद हिज अडोप्टिड फैमिली इन लैंडोर मसूरी इंडिया द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकोगनाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ़ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया रस्किन बॉन्ड ब्रिटिशर के टाइम के एक भारतीय लेखक हैं वह अपने अडोप्टिड फैमिली के साथ रहते हैं मसूरी भारत में भारतीय बल शिक्षा परिषद ने भारत में बल साहित्य के विकास में उनकी भूमिका को मान्यता दी है रस्किन बॉन्ड की कुछ फेमस राइटिंग्स हैं द ब्लू अम्ब्रेला रूम ऑन द रूफ जुनून एक्सेट्रा सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी हैंनरी द कैमिलियन लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट हैंनरी द पैट कैमिलियन फर्स्ट ऑफ ऑल कैमिलियनस आर नॉट ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स They can be easily distinguished from their close relatives, the lizards. A chameleon's tongue is long as its body. It has a rigid crest on its head which looks more like a fireman's helmet. It has long and slender limbs. Its finger and toes are more developed than other reptiles. Chalie Hamstori Party Joki ek pet Yani Paltu Chameleon hai. सबसे पहले तो कैमिलियंस जो हैं वो कोई ऑर्डनरी रेप्टाइल्स नहीं होते ऑर्डनरी मीन साधारण उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं यानी जो लीजर्ड क्रोकोडाइल्स हैं जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनसे कैमिलियंस को ईजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कैमिलियन की जो टंग है वो उसकी बॉडी से भी लंबी होती है और उसके सर के ऊपर हार्ड वेव्स जैसी बनी होती हैं रिजिट मतलब हार्ड क्रेस्ट मतलब वेव्स, लाइक जैसे माउंटेन्स की शेप होती है ना ट्राइंगल ट्राइंगल वैसे उसके हेड पर बने होते हैं जो कि फायरमैन की हेलमेट की, की तरह लगते हैं फायरमैन कौन होते हैं जो आग बुझाने वाले उन्होंने जैसी हेलमेट पहनी होती है जो हैंड्री है जो कैमिलिन है उसका हेड बिल्कुल वैसे ही लगता है उसके लंबे और स्लेंडर मतलब पतले लिम्स मतलब पार्ट उसके लंबे और पतले बॉडी पार्ट्स हैं कैमिलियन की जो फिंगर्स हैं और टोस जो फुट फिंगर्स हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं बाकी रेपटाइल से बट हैंनरी वॉज मोर रिमार्केबल दैन एनी अदर कैमिलियन यू मे हैव सीन दिस वॉज बिकॉज ऑफ हिस यूनिक आइज दे वर ह्यूज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर दिस गेव हिम अ हॉरिबल क्विंट विद वन आई मच हायर दैन द अदर रेप्टाइल्स डू नॉट हैव binocular वीजन hence दे cannot नॉट सी एन ऑब्जेक्ट both बोथ आइज लेकिन आपने आज तक जितने भी कैमिलियंस देखे होंगे उनमें से जो हैंनरी है वो एक जाना माना याद रखे जाने वाला कैमिलियन है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो उसकी आइज़ हैं वो बहुत ही यूनिक हैं अलग हैं हीज होता है बड़ी बड़ी उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और इंडिपेंडेंट है लाइक like, आज़ाद हैं वो अपनी एक आंख को हिला सकता है बिना अपनी दूसरी आंख को डिस्टर्ब किए हुए इस वजह से जो हैंनरी है वो अजीब सा लगता है क्विंट का मतलब होता है वो आइस जो अलग अलग डायरेक्शंस में देख रही हो तो इस वजह से हैं जो अजीब सा लगता है क्योंकि उसकी एक आंख दूसरी जगह होती है और एक आंख दूसरी जगह देख रही होती है जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास बाइन्यूक्यूलर विजन नहीं है यानी जैसे इंसान दोनों आँखों से देख सकते हैं विजन होती है देखने की क्षमता वैसे जो रेप्टाइल्स हैं कैमिलियंस हैं वो दोनों आँखों से नहीं देख सकते वेन एवर आई ड्रॉप्ड बाय फॉर अ विजिट हैंनरी वुड ट्रीट मी विद ग्रेट कॉशन ही वुड साइलेंटली ऑब्जर्व मी फ्रॉम हिज पोस्ट द आई दैट वॉज क्लोजेस्ट टू मी वुड मूव लाइक द बीन ऑफ सर्च लाइट अंटिल इट वॉज एबल टू फोकस ऑन मी Henry trusted नो वन ही would ट्रीट मी फ्रेंडली gestures विद ग्रेट suspicion. जब भी मैं कहीं घूमने के लिए जाता हूँ जो हैंनरी है वो मुझे ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो मेरा पूरा ध्यान रख रहा हो कौशन होता है देखभाल करना वो अपनी जगह पर खड़े होकर मुझे चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है यानी देखता रहता है जो उसकी एक आँख मुझ पर होती है वो ऐसे गोल गोल घूम रही होती है जैसे हमने कोई सर्च लाइट ऑन कर ली हो और वो मुझ पर अच्छे से फोकस कर पाए हैंनरी ट्रस्टेड नो वन, यानी जो हैंनरी है वो किसी पर विश्वास नहीं करता जेस्चर्स होते हैं कुछ बोलना या ऐसा बिहेव करना जिससे आपकी जो फीलिंग्स हैं वो दिखें तो जो कैमिलियन है वो फ्रेंडली बिहेव करता है और अपनी जो फीलिंग्स हैं जेस्चर्स के थ्रू बताता है I loved to tickle him gently on his ribs. He would always fly into a great rage. When I did that, his lungs would fill up with air and he would blow up to an enormous size. He tried his best to overave me by swinging from side to side. He even hissed, but he went no further. He could not bite, he was non violent. मुझे उसकी पीठ पर गुदगुदाना बहुत अच्छा लगता है और जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो वो गुस्से से उड़ जाता है जब भी हेनरी ऐसा करता है तो जो उसके फेफड़े हैं वो हवा से बढ़ जाते हैं और वो बहुत ही बड़ा लगता है ओवर एव होता है किसी को इम्प्रेस करना तो जो कैमिलियन है वो अपनी पूरी कोशिश करता है मुझे इम्प्रेस करने के लिए मुझ पर लटक के और तो और वो अपनी टंग को भी बाहर निकालता है लेकिन वो कुछ नहीं करता ना ही वो काटता है वो नॉन वायलेंट है नॉन वायलेंट का मतलब होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो जो कैमिलियन है वो मुझे नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाता पीपल यूजुअली बिलीव दैट कैमिलियनस आर डेंजरस एंड पॉइजनस वाइल विजिटिंग अ फ्रेंड इन कंट्री ग्रैंड फादर हेयर अ नॉइज सीन इन दियर गार्डन अ लॉट ऑफ पीपल वर हर्लिंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट अ केमिलियन हु वॉज सिटिंग ऑन अ श्रब द गार्डनर हैड डिकलेयर दैट इट कुड पॉइजन

हर्लिंग होता है कुछ फेंकना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और पत्थर और स्ट्रिक्स फेंक रहे थे कैमिलियन के ऊपर जो कि एक श्रब के ऊपर बैठा हुआ था जो गार्डनर था वहाँ का उसने कहा कि ये जहरीला है और इसने सारे गार्डन को और हर किसी चीज़ को जो कि ट्वेंटी फीट दूर है उस गार्डन से सबको जहरीला कर दिया है ग्रैंडफादर यानी कि जो दादाजी हैं उन्होंने कैमिलियन को बचाया मौत से और उसे घर ले आए और ये वह बात है कि कैसे हैंनरी जो है हमारे घर आया था रहने के लिए हैंनरी वॉज अ हार्मलेस क्रिएचर इफ यू पुट अ फिंगर इन हिज माउथ ही वुड पेशेंटली वेट फॉर यू टू टेक इट आउट ही कुड इजली बाइट इट फॉर हिज माउथ हैड अ नंबर ऑफ पॉइंटी टीथ बट ही नेवर डिड ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही ओनली नीडिड द टीथ टू च्यू हिज फूड ही वॉज अ पीस लविंग क्रिएचर हामलेस होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता क्रिएचर होता है प्राणी तो जो हैंड्री है वो एक वो प्राणी है जो किसी को नुकसान जो है नहीं पहुंचाता। अगर आप उसके मुंह में एक फिंगर डालोगे तो वो पेशेंटली बड़े आराम से वेट करता रहेगा कि कब आप उसको बाहर निकालोगे वो उसको काटेगा नहीं उसके मुंह में तेज़ दांत भी हैं लेकिन फिर भी वो आपको काटेगा नहीं उसको पता है कि उसको दांत सिर्फ चबाने के लिए चाहिए खाना कैमिलियन जो है वो एक शांति प्रिय प्राणी है यानी उसको शांति पसंद है इफ़ आई वर पेशेंट ही वुड इवन ईट आई फेड हिम टंग वुड कम आउट लाइक अ बूम रेंग ग्रैप द फूड एंड गो बैक टू हिज माउथ एट फुल स्पीड अगर मैं पेशेंट हूँ वो तब ही खाएगा जब मैं उसे खिलाऊँगा उसकी टंग जो है वो बाहर आएगी बूम रैंक की तरह खाना लेगी और जल्दी से माउस में चली जाएगी फुल स्पीड में ओनली वंस डिड ही क्रिएट है वॉक इन अ नर्सरी स्कूल डाउन द रोड दिस इज़ वॉट हैपन हैव वॉक होता है वो सिचुएशन जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा हो एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी नर्सरी स्कूल में ये वो हुआ ग्रैंड मदर ऑलवेज सेंड अ बास्केट ऑफ पपायर्स फ्रॉम अवर गार्डन टू हर फ्रेंड मिसेस गोश हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल नाउ हैंनरी मैनेज टू स्मगल हिमसेल्फ इनटू द बास्केट व्हेन द पपायास वर बीइंग पुट एंड रीच द स्कूल व्हेन मिसेस गोश स्टार्ट टेकिंग द पपायास आउट पॉप्ड हैंनरी जो दादी हैं वो हमेशा एक टोकरा पपायास का भरकर अपने गार्डन से अपनी फ्रेंड मिसिस घोष को भेजती थी जो कि प्रिंसिपल थी नर्सरी स्कूल की स्मगल होता है भेजना तो जो हैंनरी है वो अपने आप को टोकरे में डाल देता है यानी टोकरे में चला जाता है और वो उस पपाया के टोकरे के साथ ही स्कूल में पहुंच जाता है जब मिसिस कोश पपायास को बाहर निकालने लगती हैं तो जो हैंनरी है वो बाहर निकल जाता है उस टोकरे से शी स्क्रीम्ड एंड हैंनरी टर्नड अ ब्राइट ग्रीन कलर द सेम एज अ पपायास हु एवर सॉ हैं स्टार्ट डेट स्क्रीमिंग टू हैंनरी वॉज फ्रेटन बाई ऑल द स्क्रीमिंग एंड फ्लैट द ऑफिस सम चिल्ड्रन ट्राई टू कैच हिम बट ही मेड हिज एग्जिट फ्राम द विंडो एंड डिसपेयर्ड इन टू द गार्डन स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना वो जो मिसिस गोश हैं वो चिल्लाती हैं और जो हैंनरी है वो अपना रंग बदल देता है डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है जैसे कि पपायास होते हैं जो भी हैंनरी को देखता है वो सब चिल्लाने लग जाते हैं डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है कुछ बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो खिड़की से बाहर चले जाता है और गुम हो जाता है गार्डन में वन मोर थिंग जो कैमिलियंस होते हैं वो अपना कलर्स जो हैं वो चेंज करते रहते हैं मिसिस गोश टोल्ड ग्रैंड मदर अबाउट द होल इंसिडेंट ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल हर दैट द कैमिलियंस वॉज आर्ट्स आई थाट दैट आई वुड नेवर सी हिम अगेन एज द स्कूल वॉज थ्री हाउसेज अवे बट टू my सरप्राइज आई सॉ Henry सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल 3 डेज लेटर ही readily ate फ्रॉम my हैंड एंड इवन लेट मी टिकल हिम मिसिस Gosh, जो ग्रैंड मदर की फ्रेंड होती हैं वो ग्रैंड मदर को उस सारे हादसे के बारे में बताती हैं इंसिडेंट होता है हादसा ग्रैंड मदर जो हैं वो मिसिस गोश को नहीं बताती हैं कि जो कैमिलियन है वो उनका है उनको लगता है कि वो हैंनरी को कभी नहीं देख पाएंगी स्कूल होता है वो तीन घर छोड़ के आगे होता है उनके घर से लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो तब सरप्राइज हो जाती हैं जब वो हैंनरी को देखती हैं के गार्डन में जो वॉल से चिपका हुआ होता है तीन दिन के बाद फिर वो उनके हाथ से खाना खाता है और गुदगुदाने देता है अपने आप को टिकल होता है गुदगुदाना बाय रस्किन बॉन्ड होप यू अंडरस्टैंड वेल द स्टोरी ऑफ द कैमिलियन हैंनरी थैंक यू